मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, फिर सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे मुल्क की जिल्लत हुई। वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर तुमने अदम एतमाद की वोट पे उसको ना हटाया तो धमकी दी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। मैं जब मुझे ये पता चला, मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया, क्या मैं इनका गुलाम हूं? मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, फिर सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे मुल्क की जिल्लत हुई। वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर तुमने अदम एतमाद की वोट पे उसको ना हटाया तो धमकी दी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। मैं जब मुझे ये पता चला, मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया, क्या मैं इनका गुलाम हूं?